नमस्कार, मैं अमित महाजन आप लोगों के साथ में एक बार फिर से कुछ उपाय शेयर करने आया हूँ। आज जिस उपाय की हम लोग बात करेंगे वो एक ऐसा प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोग फेस करते हैं। मुझे बहुत कमेंट्स में इस बात के बारे में पता चला कि कुछ लोग इस बारे में भी जानना चाह रहे हैं कि अपनी बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाएं। बहुत सारी ऐसी हैबिट्स होती हैं लोगों में जो छोड़ना चाहते हैं बट छोड़ नहीं पाते। स्मोकिंग उसमें से एक है। तो आज मैं जो उपाय आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ ये वो उपाय हैं जो आपको हिम्मत ऐसी प्रोवाइड करेंगे या प्लानिटरी पोजिशनिंग की चेंज आपके साथ में करेंगे जिससे आपको इन आदतों को छोड़ने में आसानी होगी। एक्चुअली मेहनत आपने करनी है, सिर्फ उपाय करने से कुछ नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी, ये उपाय आप खुद करें। जब तक आप खुद इंटेंशन नहीं करेंगे कि मुझे ये बुरी आदत छोड़नी है तब तक आपसे कोई आदत नहीं छुड़वा सकता। उपाय आपको हेल्प करेंगे, उपाय आपको स्ट्रेंथ देंगे और इस जो प्रॉब्लम आपके साथ है इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने में एक आपकी सहायता होगी इन उपायों से। तो पहला तो उपाय यही है कि इंटेंशन आपने खुद करनी है। दूसरा उपाय खुद करना है। अब उपाय क्या करना है ये छोटा सा चीज़ ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को। उपाय आपने सिंपल इसमें हनुमान जी पे चोला चढ़ाना है। अगर आप हनुमान जी पे चोला चढ़ाते हैं और उनसे ये मांगते हैं कि मुझे इस बुरी आदत से छुटकारा दिलाएं तो उतने में ही ये काम हो जाता है। बट आपने ये चोला कॉन्टीन्यूसली 5 मंगलवार और 5 शनिवार, तो टोटल 10 चोले हो गए, मंगलवार शनिवार ऐसा करके आपने 5 हफ्तों तक लगातार इस उपाय को करना है। अब ये हम समझ लेते हैं कि चोला क्या होता है। चोले में असेंशली 5 चीज़ें हमने यूज़ करनी है। सबसे पहली चीज़ हम लोग चोले में यूज़ करते हैं सिंदूर, दूसरा चमेली का तेल, तीसरा जनेयू, चौथा चांदी का वर्क और एक लाल कपड़ा जो हनुमान जी पे चढ़ाया जाता है। इसके साथ में आप बूंदी का प्रसाद लीजिए, बूंदी का प्रसाद ले लें या बूंदी के लड्डू ले लें। ये आपने सुबह या शाम दोनों में से किसी वक्त भी करा जा सकता है। मंगलवार शनिवार सुबह या शाम आप इस उपाय को करें लगातार 5 हफ्तों तक। आप कोशिश करिए, साथ में उपाय करिए, गारंटी मेरी कि आप इस बुरी आदत से छूट जाएंगे। तो उपाय इसको ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा कि आप में से कितने लोग अपनी बुरी आदतों को छोड़ पाए हमारे साथ में। लेट्स अप पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।